हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज बाय नेहा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने दाल के वड़े। ये बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस और क्रिस्पी होते हैं। इनको बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो इस बार मानसून में ये वाले बड़े बनाइए ज़रूर। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो आइए देखते हैं इस यमी से डिलिशियस वड़े की रेसिपी। तो यहाँ मैंने, देख सकते हैं आप, कुछ इंग्रीडियंट्स लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको, यहाँ मैंने लिया चना दाल। ये हमारा नॉर्मल चना दाल है जो मार्केट से आता है, किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें भिगो के रखना है 4 से 5 घंटे के लिए पानी में। तो यहाँ मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है, देखिए। तो बढ़िया से डबल हो जाता है साइज़ में। तो यहाँ मैंने 1 कप लिया हुआ था। और इस तरह से थोड़ा दबा के देखें तो देखिए ये आराम से टूट रहा है, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से सोख हो चुका है। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे यूज़ होने वाला है करी पत्ता, जिसको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। 2 चम्मच चावल का आटा, 1 बड़ा प्याज, अदरक, धनिया पत्ती, और ये है धनिया का सीड, जिसको खड़ा धना भी कहा जाता है। इसको मैंने रफली कूट लिया था इस तरह से। और साथ साथ यहाँ चिली फ्लेक, जो कि बड़े में बड़ी ही टेस्टी लगती है। आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक। और इसके साथ ही यूज़ करूँगी थोड़ा सा हींग, जिससे कि बड़े का स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। और अब हम सबसे पहले दाल को 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। दाल को धो लिया है, आप देख सकते हैं बढ़िया साफ है दाल। और अभी इसको मैं ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो ध्यान रखें फ्रेंड, हमें इसका बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हम इसको हल्का सा दरदरा रखेंगे। तो पूरी दाल को इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि ये दाल जो होती है काफ़ी हार्ड होती है और काफ़ी इसको पीसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी ही डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें इसको थिक ही पेस्ट रखना है। तो इसको पेस्ट को मैंने, देखिए, बढ़िया से बना लिया है। देखिए अभी आपको मैं टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से थोड़ा सा दरदरा है, तो ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अभी मैं पेस्ट को एक बोल में निकाल लूँगी और उसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, करी पत्ता। तो आप करी पत्ता तो बिल्कुल भी स्किप ना करें फ्रेंड, इससे बड़े में बहुत ही बढ़िया टेस्ट सा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ अदरक, तो मैंने 1 इंच अदरक लिया था, जिसको मैंने किस लिया है, खड़ा धना, पिंच ऑफ हींग, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली, और 2 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पीनेस आती है। और लास्ट में हम डालेंगे बहुत सारा फ्रेश धनिया। और अब यहाँ ऐड करेंगे नमक, तो आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। यहाँ मैंने 3-4 चम्मच डाला हुआ है। और सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मिक्सर रेडी हो चुका है और अब हम बड़े बनाने की तैयारी करेंगे। बड़े बनाने के लिए हम इसको पहले से बना के नहीं रखेंगे फ्रेंड, इसलिए जस्ट फिर हाथ पे इस तरह से थोड़ा सा पानी ले लें और एक छोटा सा साइज पोर्शन इस तरह से ले लें हाथ पे, और जैसे हम लड्डू बनाते हैं उस तरह से रोल करके इसको फिंगर से फ्लैट कर देंगे। और देखिए ये बन गया है। तो इसको पहले से बना के नहीं रख सकते, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो जस्ट बनाते जाएंगे और डीप फ्राई करते जाएंगे। यहाँ तेल पहले से गर्म किया हुआ है मैंने और फ्लेम स्लो है। और अभी इसमें मैं एक एक करके वड़ा बनाती जाऊंगी और डायरेक्ट डालती जाऊंगी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड कि हमें बड़े को बहुत मोटा नहीं बनाना है, उसको हम थोड़ा सा पतला ही बनाएंगे, जिससे क्रिस्पीनेस बढ़िया रहे। अगर कोई गेस्ट आ जाए या आपको झटपट से कुछ स्नैक्स खाने का मन है, तो ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी रेसिपी है। अभी इसको हम अच्छी तरीके से सिकने देंगे। तो अभी हम 1 मिनट तक सिकने देंगे, फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो अभी हम इसको टर्न करेंगे। आप इसको किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्लैट शेप का बनाएंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस काफ़ी अच्छी आती है। इस तरह से पलटते हुए दोनों साइड इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बड़े कितने बढ़िया दिख रहे हैं और बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और इस तरह से हम झारे पे इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह का जो झारा होता है फ्रेंड, ये डीप फ्राई आइटम के लिए बेस्ट होता है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बाकी सभी बड़ों को बनाकर इस तरह से फ्राई कर लूँगी। और अब हम इसकी मैं आपको प्लेटिंग करके बताऊँगी। तो आप इन बड़ों को किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, स्पेशली ग्रीन चटनी के साथ, तो इसका फ्लेवर और भी डिलीशियस लगता है।
तो आप इस मानसून में ये इस तरह से चने के वड़े बनाकर तैयार करें और अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करें। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।